subscribe to our channel and do not forget to press the bell icon. आज हम सीखने वाले हैं कि Office 365 को बिना अकाउंट के फ्री में किस तरीके से डाउनलोड किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सैयद अली बुखारी और खुश आमदीद मेरे चैनल पर। सबसे पहले ऑफिस डिप्लॉयमेंट टूल को अपने पीसी या लैपटॉप में डाउनलोड कर लें। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ऑफिस डिप्लॉयमेंट टूल डाउनलोड हो जाने के बाद इस पर राइट क्लिक करें और ओपन पर क्लिक कर दें। यहाँ पर जो टर्म्स एंड कंडीशंस लाइसेंस की एक्सेप्ट कर लें। कंटिन्यू करके फाइल को डेस्कटॉप पर एक्सट्रैक्ट कर लें। आप देख सकते हैं कि ये सारी फाइल्स आ चुकी हैं यहाँ पर। अब डेस्कटॉप पर राइट क्लिक कर लें, न्यू सेलेक्ट करके न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है फाइल क्रिएट कर लें। आपने ये कॉन्फ़िगरेशन जो कोड है ये यहाँ पर पेस्ट कर देना है। मैंने इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं। अब इस फाइल को जाके सेव एज कर दें। config.xml के नाम के साथ इसको डेस्कटॉप पे रख दें ताकि आपको बाद में ढूंढने में आसानी रहेगी। दोबारा से डेस्कटॉप पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की फाइल क्रिएट कर दें। यहाँ पे इको ऑफ नाम का जो कोड है उसे पेस्ट कर दें। इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और फाइल को सेव एज कर दें। install.cmd के नाम से डेस्कटॉप पे हमारी इंस्टॉलेशन पैकेज फाइल क्रिएट हो चुकी है। install.cmd फाइल पर राइट क्लिक कर दें, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दें और ये आपका ऑफिस 365 का जो सेटअप है स्टार्ट हो जाएगा। याद रहे इंटरनेट का कनेक्शन इसमें लाजमी है क्योंकि ये जो अपनी फाइल्स है वो डायरेक्ट इंटरनेट से डाउनलोड कर रहा होगा। इंस्टॉलेशन आपके इंटरनेट कनेक्शन पर डिपेंड करती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ के अपडेट आपको मिल सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।